के अंदर चला गया। देखिए दोस्तों कैसे बाइट कर रहा है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक सिप्लास्ट इंटरप्राइजेस है, इसी के अंदर एक स्नेक निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए, स्नेक को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। प्लीज कम, स्नेक तो बहुत भारी है। आराम से आराम से। देखिए दोस्तों यही है, यहाँ पर पकड़ी रखा हुआ है और ये कंफर्म है कि सांप कौन है। तो आइए हार जाए दोस्तों। देखिए यही लकड़ी है के अंदर वो स्नेक छिपा हुआ है। चलिए फटाफट के अंदाज में इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। हेलो रे बुरा हेलो बुरा हेलो बहुत हो जाओ गबे नहीं था। देखिए दोस्तों पहली है इंडियन रैटलस्नेक, ये तो ये घास के अंदर कैसे छिप रहा है। देखिए ये पानी टैंक का एक फैक्ट्री है और इसी के अंदर ये निकला हुआ है, देख लीजिए। तो दोस्तों शायद ऐसा लगता है कि ये पानी टंकी खरीदने आया था लेकिन इसको मिला नहीं, इसीलिए लकड़ी के अंदर चला गया। देखिए दोस्तों कैसे बाइट कर रहा है, देख लीजिए कैसे बाइट कर रहा है। हालांकि इसके बाइट करने से कुछ होता नहीं है, जब ये एग्रेसिव होता है तो ये काटता है और अधिकतर ये चेहरे पर ही बाइट करता है और हाथों पे ही। देख लीजिए कैसे हाथ को जकड़ रहा है। दोस्तों इसे अपने बिहार में लोग धामर कहते हैं, कहीं कहीं घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है। घोड़ा पछाड़ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घोड़े को मात दे देता है, यानी कि तेजी के साथ भौंकता है। हालांकि साइंस का कहना है कि ये लगभग एक घंटा में 16 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा दामन सांप। तो चलिए बाहर की तरफ ले चलते हैं, इससे पहले दिखा दें आपको ये बहुत बड़ा ये एक सिप्लास्ट यानी कि पानी का यहाँ पर टैंक बनता है और इसी के अंदर ये रूम में चलाया था। चलिए बाहर की तरफ ले चलते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए चलिए देखिए दोस्तों ये बिना जहर वाला सांप होता है और बहुत सब एग्रेसिव हो जाता है, तो ये चेहरा पर और हाथों पर ही काटता है, आपको बता दिए आप। हालांकि इसके काटने से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये नॉन वेनमस होता है। उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पटाइस म्यूकोसा होता है और इंग्लिश में इसे इंडियन रेड स्नेक कहते हैं। बहुत बड़ा है, लगभग मेरे शरीर बड़ा है उतना ये बड़ा सांप है, यानी कि लगभग 6 फीट के करीब ये सांप है। देखिए आपको बताता है कि धामर सांप को आप कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसका जो गर्दन है और जो इसका सर है ये पतला होगा और छोटा होगा और इसका जो शरीर की लंबाई है थोड़ा बड़ा रहेगा, यानी कि जैसे किंग कोबरे की लंबाई होती है वैसे इसका भी लंबाई हो जाता है। लेकिन किंग कोबरा तो आपको मालूम है कि वेनमस स्नेक है और ये नॉन वेनमस स्नेक है। अपने बिहार उत्तर प्रदेश और बहुत राज्यों में इसके प्रति अंधविश्वास ये फैला है कि अगर ये पूंछ से मार दे तो शरीर सड़ कर गिरने लगता है। तो ये दोस्तों हम ट्राई करते हैं, इस पर ट्राई किया जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ट्राई किया जाए और पूंछ से लग जाएगा तो आपका शरीर सड़ेगा। तो देखिए दोस्तों हम ट्राई करते हैं, आप देख लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें काटा है देखो तो। देखिए काटा है इसमें, कुछ भी काटा नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि उसमें काटा होता है तो कुछ भी काटा नहीं होता है। और ये देखिए ये आपका हो गया नर, ये नर है ये मादा नहीं है, यानी कि मेल है। इसकी जो लंबाई है थोड़ा छोटा रहता है लेकिन जो फीमेल रहता है लगभग उसका लंबाई 8 फीट 7.5 फीट के करीब में जाता है, ये नर है। तो दोस्तों
इसका मुख्य भोजन जो है चूहा और मेढक है। ये चूहा और मेढक के फिराक में हमारे घरों के अंदर या इंसानी वस्तुओं की तरफ ये जाना पसंद करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बहुत लोग ये भी अंधविश्वास फैलाए हुए हैं कि ये गाय भैंस बकरी का दूध पी जाता है। तो आप लोग बताइए, गाय भैंस बकरी का दूध पीता है ये? दूध ये नहीं पीता है, क्योंकि दूध को पचाने वाला ग्लैंड्स इसके पास नहीं पाया जाता है दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर आप ऐसा देखते हैं तो प्लीज़ ऐसा स्टंट आप अपने घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि अगर ट्राई करते हैं तो खतरा हो सकता है और मारे सहिएगा। ठीक है, चलिए इसको बोरे के अंदर पैक करते हैं। देखिए दोस्तों, डरने की बात नहीं है, इसमें जहर नहीं पाया जाता है। अगर इसको कुछ नुकसान यानी कुछ इसको हम लोग पहुँचाते हैं तो ही हमें काटता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर नए हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइबर फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।